वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं माता रानी और भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, माता रानी और भगवान शनिदेव जी से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप किसी को भी नाराज मत रखना, आप किसी को भी उदास मत रखना, आप सभी को बराबर खुशियां देना और सभी को अपने ही चरणों में रखना। वृश्चिक राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर 3:59 के बाद एक साथ दो दो बड़े शुभ संकेत मिलेंगे। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, खुशखबरी सुनकर दिल और दिमाग दोनों गदगद हो जाएगा। जी हाँ, ऐसी खुशखबरी हम आपके लिए लेकर आए हैं वृश्चिक राशि वालों, जिन्हें सुनते ही आप खुशी के मारे घर के गली आंगन में नाचने लगोगे। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहें तो अब आप लाखों करोड़ों में खेलोगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली का सारा गणित बदल गया है, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा और आपके भलाई के लिए ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दुश्मनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों भाग्य के देवता कर्म फलदाता भगवान शनिदेव जी आपकी कुंडली में विराजमान होने वाले हैं आज दोपहर 3:00 के बाद। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 3:00 के बाद भाग्य के देवता कर्म फलदाता भगवान शनिदेव जी विराजमान हो जाएंगे, जिससे कि दोस्तों आपके दुश्मनों की चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, फूंक मारकर दिए को बुझा सकती हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता। मित्रों, कहने का तात्पर्य है, जो लोगों को भला करता है, जो इंसान दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचता है और ना ही उन्हें दुख तकलीफ देता है, तो ऐसे इंसान के ऊपर भगवान शनिदेव जी हमेशा मेहरबान रहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपकी यही इच्छा, आपकी यही गुण आपको सफलता के बहुत करीब लेकर जा चुकी है। जी हाँ, बस आप पीछे मत हटना और हार मत मानना। मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, लोग आपके आजू बाजू इर्द गिर्द भटक रहे हैं, आपकी बुराई का इंतजार कर रहे हैं, आपकी बुराई का तमाशा देखने के लिए। जी हाँ, बस हार मत मानना, दुनिया का कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता, जब तक आप खुद से हारना नहीं चाहोगे, जब तक आप अपने मन में ठान लेते हैं कि यह काम मुझे करना है, हर हाल में मुझे यह चीज़ पाना है, तो आप आधे से ज़्यादा काम उसी वक्त कर लेते हैं जब आप अपने मन में यह ठान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे की वीडियो में हम आपको बहुत गहरी जानकारियाँ देने वाले हैं, बस अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों, भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आज का दिन आपके लिए किसी निजी मामलों में घनिष्ठता लेकर आने वाला है। जी हाँ, आपका किसी नई संपत्ति को खरीदने का सपना पूरा होगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी का फुल सहारा मिल रहा है, दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी और विभिन्न कार्यों को आप आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबको जोड़ने में आप सफल रहेंगे, आपका किसी नई संपत्ति को खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आप टीम वर्क के जरिए काम करेंगे, जिससे आपको लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने यदि पहले किसी को धन उधार दिया था तो आपका वह धन आपको वापस मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज का दिन धन संबंधित मामलों में समय बहुत अच्छा रहेगा, रक्त संबंधित रिश्तों में यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वह भी आज दूर होगी।
जी हाँ वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में स्पष्ट बनाए रखने के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और सेवा भावना बढ़ेगी, नौकरी में कार्यरत लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और लोगों का दिल जीतने में आज आप कामयाब रहेंगे। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आप अपनी मेहनत व लगन से काम करके अधिकारियों से शाबाशी पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी और धार्मिक कार्यों में भी आपका खूब मन लगेगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों संतान की आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत कर सकती हैं। जी हाँ, अगर कोई समस्या आपके मन में चल रही है तो आप उस समस्या अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता के साथ शेयर करें, उस समस्या का समाधान आपको अवश्य मिलेगा। जी हाँ वही मित्रों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। जी हाँ, मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में समय व्यतीत करेंगे, लेकिन दोस्तों आप समय को बर्बाद ना करें। जी हाँ, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है, इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई के काम को लेकर छोटी दूरी यात्रा पर जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, कामकाज में आज एक नया उत्साह रहेगा जिससे आपका काम करने में खूब मन लगेगा। जी हाँ, कला कौशल में सुधार आएगा। आप अपने आवश्यक कार्य में ही यदि बदलाव करने की सोच विचार कर रहे हैं तो बाद में आपको समस्या नहीं होगी, इसलिए आपको अभी अच्छे से सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है जिससे आपको लाभ हो। जी हाँ, देखिए दोस्तों, सितारे इस बात को लेकर हमें संकेत दे रहे हैं कि आज आपके जीवन में कोई ऐसा मेहमान आने वाला है जिससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आज घर वालों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपका दोस्त भी यहाँ तक आपको बहुत साथ देंगे। जी हाँ वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए एक से अधिक स्रोतों से आय दिलाने वाला रहेगा। जी हाँ दोस्तों, धन संपत्ति संबंधित मामलों में आपको जीत मिल सकती है। परिवार में आप लोगों के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। निजी विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जी हाँ, आप किसी काम को उतावला होकर ना करें, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ से आपको लाभ ही लाभ देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना पूरा होगा। परिवार के किसी सदस्य को आप कोई बात बुरी लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कोई बात किसी को बुरी लग सकती है, इसलिए प्यारे मित्रों आज आप बोलने में सावधानी रखिएगा। जी हाँ, जितना हो सके कम ही बोलने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। याद रखिएगा, जो कम बोलता है वो ज़्यादा लाभ में रहता है और जो ज़्यादा बोलता है वो कम लाभ में रहता है। जी हाँ, इसलिए दोस्तों कम बोलने का प्रयास करें, आप ज़्यादा लाभ में रहोगे। आज का दिन आपके लिए थोड़ा बहुत आलस से भरा रहने वाला है। जी हाँ, लेकिन आज आपको आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। जी हाँ, कुछ चीज़ों को आज आपको अपने जीवन काल से छोड़ना है, अपने जीवन काल से हटाना है। आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। भाई व बहन से चल रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त होगी। कार्यक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सामाजिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। आपको किसी नए काम की शुरुआत करना बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ, आप किसी सरकारी योजना में धन लगाने के लिए सोच विचार कर सकते हैं और आपका यह धन एक दिन बहुत ही ज़्यादा लाभ लेकर आने वाला है।
इसलिए अगर आप सोच विचार कर रहे हैं तो आप उसमें लगा सकती हैं। समय बहुत ही अच्छा है। सितारे कहते हैं कि व्यवसाय के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, अति उत्तम समय रहने वाला है। जी हाँ, जो लोग व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, घर से दूर रहते हैं, उन्हें आज कोई बड़ी शुभ समाचार प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, परिवार के सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से आज आपको राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमने कहा है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, अति उत्तम रहने वाला है। आपको संतान के कैरियर की चिंता थोड़ी बहुत सता सकती है, लेकिन अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जी हाँ, अपनी जिम्मेदारियां जो है खरे उतरेंगे, जिसे देखकर परिवार के सदस्य भी आपसे प्रसन्न होंगे। लेकिन आप अपने किसी कामों को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो आपकी वह समस्या भी आज दूर होगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल से सभी प्रकार की परेशानी, सभी प्रकार के दुख दर्द खत्म होने वाले हैं। आज के दिन आपका पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। जी हाँ, और राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमा रहे लोगों को आज किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके कुछ विरोधी आपके बनते कामों में रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिनसे आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो वो लोग आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर देवों के देव साक्षात महादेव जी का हाथ है। यदि आपका कोई लंबे समय से कार्य रुका हुआ था तो वह भी देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से पूरा होने वाला है, जिससे के बाद जो है तनाव आपका कम होगा। लेकिन आप किसी के कहने में आकर आज कोई बड़ा निवेश करने से बचिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप दूसरों के कहने पर आकर कोई निवेश करते हैं तो आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकता है। कहीं पर भी निवेश करने से पहले आप दोबारा जरूर सोच लें, और अगर आपके घर में कोई एक्सपर्ट जानकार व्यक्ति है तो आप उनसे सलाह मशवरा ले लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस में आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे आपको खुशी होगी और आपके साथ साथ आपके पूरे घर वालों को भी खुशी होगी। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। व्यवसाय में आपको किसी अपरिचित व्यक्ति से आज लाभ हो सकता है। जी हाँ, कोई अनजान व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते हैं, उनसे आज आपको लाभ हो सकता है, लेकिन सतर्क रहिएगा, आपको धोखा भी मिल सकता है। जी हाँ, और कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अधिकारियों द्वारा आज आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी, और यदि घर परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो उसे घर से बाहर न जाने दें, नहीं तो लोग इसका फायदा उठा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ही को ध्यान रखना होगा, नहीं तो आगे चलकर आप ही को पछताना पड़ेगा। आज का दिन आपके लिए विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। जी हाँ, आप अपनी जरूरत की कुछ वस्तुओं की खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आप किसी भी वाद विवाद में ना पड़े और अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज आप समय निकालने में कामयाब रहेंगी। जी हाँ, और आपने यदि कोई काम मन में सोच कर रखा था तो वह भी आज पूरा हो सकता है, जिसके बाद परिवार के किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और छोटे बच्चे मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए रहेगा। जी हाँ, समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है, ऐसी ग्रह सितारे हमें संकेत दे रहे हैं। यदि जीवन साथी से आपके कुछ मतभेद चल रहे थे तो वह भी आज के दिन दूर होंगे। जी हाँ, व्यापार में आपको अपनी आंख व कान
खुले रखकर आगे बढ़े, नहीं तो आपको कोई समस्या हो सकती है, कोई आपको धोखा दे सकता है। विरोधी आपसे बहुत प्यार से पेश आएंगे, जिन्हें आपको पहचानना होगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो दिक्कत होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन खुशी के मारे गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, अगर हो सके तो ये उपाय आप जरूर करना। इस उपाय में आपको कोई भी पैसा, कोई भी पूंजी नहीं लगेगा। जी हाँ, आपको सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन से ये उपाय करना है। यदि आप दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन अपने छत पर मिट्टी के पात्र में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर दें। इससे धीरे धीरे आपकी समस्याओं का अंत होने लगेगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगेगा। इसके साथ ही अपने घर के बाहर भी पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो ये छोटा सा उपाय है, अगर आपको समय मिलता है, मौका मिलता है, तो आप जरूर करना। इसका लाभ आप अपनी आंखों से देखोगी। जी हाँ, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप एक नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो वह आज के दिन कर सकती हैं, जिसमें आपके परिजनों का पूरा साथ मिलेगा। आप संतान को कोई वाहन भी दिलवा सकते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना भी बना सकती हैं। जी हाँ, आर्थिक स्थिति को लेकर यदि आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो वह पहले से मजबूत होगी और आपका कोई पुराना कर्ज भी काफ़ी हद तक समाप्त होगा, जो आपको खुशी देगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रह सितारे कहते हैं कि आपके परिवार में जो लोग नौकरी के योग्य हैं, नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें नौकरी लगने वाली है। जी हाँ, और सच में ये खुशखबरी आपको भी हिलाकर रख देगी। और दूसरा जो खुशखबरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये तो और भी तगड़ा खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ग्रहों की यह बदलती चाल आपके लिए लाभ के योग बना रहे हैं। जी हाँ, अब आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा, अब आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपके घर में, अब आपके परिवार में एक नन्हे मेहमान आने वाला है। जी हाँ, शायद उनके लिए आपकी आंखें तरस गई होगी, आपने बरसों से इंतज़ार किया होगा, लेकिन अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, माँ अम्बे, माँ गौरी, माँ भवानी जी के आशीर्वाद से अब आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में इतना खुशियाँ आने वाला है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, एक चमत्कारिक उपाय बता रहे हैं। अगर इस उपाय को आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से करते हैं, तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ, देखिए दोस्तों, अगर किसी की बुरी नज़र, किसी की बुरी साया आपको परेशान करती है, आपको डिस्टर्ब करती है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। उसके लिए आपको साबुत नमक या डली वाला नमक एक लाल कपड़े में बांधकर घर के मैन गेट पे बांध दें। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, उसे बांधते समय कोई आपको देखे ना और ना ही कोई आपको टोके। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी बुरी साया या नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करवाएगी। जी हाँ, तो दोस्तों ये उपाय से आपको कुछ ज़्यादा खर्च नहीं होगा, इसलिए हम उम्मीद करते हैं ये उपाय को आप ज़रूर करेंगे और इसका लाभ आप ज़रूर उठाएंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो आगे और भी जो है इम्पोर्टेंट, खास होने वाली है, बहुत ज़रूरी जानकारियाँ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, अंत तक देखिएगा। सितारे कहते हैं, आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए रहेगा।
जी हाँ दोस्तों, व्यापार में आपको थोड़े बहुत नुकसान हो सकता है अगर लापरवाही करेंगे तो, जिसके कारण आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप परिवार के सदस्यों से भी बेवजह लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप शेयर मार्केट अथवा सट्टेबाजी में धन का निवेश करते हैं तो अत्यधिक धन ना लगाएं। जी हाँ दोस्तों, थोड़े बहुत धन लगाएं, क्योंकि दोस्तों निवेश के लिए अभी उतना अनुकूल समय नहीं है। किसी प्रॉपर्टी संबंधित डील को आज बहुत ही सोच विचार करके फाइनल करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए आप अपने गुरुजनों से बातचीत कर सकती हैं। समय बहुत ही अनुकूल समय है। आज का दिन आपके लिए पारिवारिक जीवन खुशनुमा पल रहेगा और आपकी सोची समझी योजनाएं पूरी होगी और संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। यदि जीवन साथी को आप किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कराएंगे तो भविष्य में आप इसका जो है अच्छा करेगा। जी हाँ, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की कोई बात आज आपका मन दुखी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज आप गलत वाणी का प्रयोग ना करें और ऐसी वाणी का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें जिससे आपकी वाणी से किसी दूसरों को बुरा लगे। जी हाँ, अगर आप वाहन का प्रयोग करती हैं, वाहन चलाती हैं, तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, नहीं तो चोट चपेट लगने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपको कुछ सफेदपोश लोगों से भी सावधान रहना होगा। जी हाँ, खासकर उन लोगों से सावधान रहिएगा जो आपके मुंह पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं। जी हाँ, उनसे आज आप दूरी बनाकर रखिएगा। आज का दिन आपके लिए रुके काम को पूरा करने के लिए रहेगा। बिजनेस में धन जो है कमी के कारण यदि कुछ समस्या आ रही थी तो उसके लिए कोई बैंक लोन भी ले सकती हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें कभी जो है कुछ समय और भी रुकना होगा, इंतज़ार करना होगा और परेशान होना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपको अपने परिजनों का सहयोग और सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलेगा। जी हाँ, कुछ विरोधी आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे जिनसे आपको बचना होगा, जिनसे आपको सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज वो लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ, बहुत बड़ी संपत्ति आपके हाथ लगने वाली है, क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी इस राशि के जातकों के ऊपर बहुत बड़ा चमत्कार करने वाली हैं। अब आपके पास घर भी होगा, बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगी और पैसा भी होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप अपने जीवन में निरअहंकारी रहना, क्योंकि सुख हो चाहे दुख हो इंसान के जीवन में हमेशा तक नहीं रहता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे और जो भगवान आपको देते हैं उसे अच्छे से सदुपयोग करोगे, तो लोगों का भला करोगे, दान पुण्य करोगे, तो भगवान हमेशा आपके ऊपर ऐसे ही मेहरबान रहेंगे और हमेशा ऐसे ही आपको देते रहेंगे, क्योंकि भगवान अच्छे लोगों को देने में जरा सी भी वक्त नहीं लगाती हैं और बुरे वो लोगों से लेने में वक्त नहीं लगाती हैं। जी हाँ, बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में कहिएगा, गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंत तक देखिएगा। आगे वीडियो में आपको बहुत कुछ बातें बताने वाले हैं, कुछ सावधानियां बताएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट जरूरी बातें भी बताएंगे जिन्हें जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, व्यवसाय कर रहे लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। जी हाँ, और उन्हें आज सफलता भी मिलने वाली है, जिससे परिवार के सदस्य भी काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ, आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि होगी। राजनीतिक में कार्यरत लोगों को कोई बड़ा पद मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।
जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमने कहा है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको दिन भर एक के बाद एक खुशखबरी मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप अपनी माता जी के साथ कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर सलाह मशवरा कर सकते हैं और आप किसी धन को उधार देने से बचिएगा, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। जी हाँ दोस्तों, खासकर रुपये पैसे का लेन देन अगर आज आप कर रहे हैं बहुत जरूरी हो तो बहुत ही सावधानी से कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए वृद्धि और विवेक से निर्णय लेने के लिए रहेगा। व्यावसायिक योजनाओं को पूरा होने से आप काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे और रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी कोई पुरानी गलती लोगों के सामने आ सकती है। यदि आप किसी संपत्ति का सौदा करने जा रहे हैं तो उसमें उसके चल और अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। शेयर मार्केट अथवा सट्टेबाजी में धन का निवेश करने वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आज आप धन निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो दिल खोलकर निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको लाभ होगा। आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में अच्छा रहने वाला है। संतान के विवाह के प्रस्ताव पर मुहर लगने से आप प्रसन्न रहेंगे और लोगों की यदि कोई इच्छा थी तो वह भी आज पूरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे आपको खुशी होगी। मित्रों के साथ आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकती हैं और जाने की प्लानिंग भी कर सकती हैं। आप किसी नए मकान दुकान आदि को खरीदारी के लिए बातचीत कर सकते हैं और यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया हुआ था तो वह धन आज आपको वापस मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, माता रानी धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ रही है और साथ ही साथ कुबेर महाराज भी अपना कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने अधिकारियों की आंखों का तारा बनेंगे और अपने दैनिक आवश्यकताओं की कुछ वस्तुओं की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। आपका कोई विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है जिससे आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आज आप किसी के भी ऊपर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, खासकर उन लोगों के ऊपर जो आपके मुंह पर बहुत ज्यादा मीठे मीठे बात करते हैं, उनसे आज आपको बचकर रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी के साथ आप किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बातचीत कर सकती हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए बातचीत करनी होगी, तभी उनका समाधान मिल पाएगा। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी की कही सुनी बातों को लेकर तनाव बना रहेगा और धन संबंधित मामलों में आप सावधानी बरतें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से आपका धन खर्च बढ़ सकता है, जिसके कारण आपके ऊपर कुछ कर्ज भी बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने का मौका मिले तो आप अपनों से बातचीत अवश्य करें। बिना सोचे समझे आप कोई भी कदम ना उठाएं और ना ही कोई बड़ा फैसला लें, नहीं तो दिक्कत होगा। आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है जो आपको खुशी देगा और सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को छवि आज और निखरेगी। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बिजनेस में कोई बड़ा लाभ होने से जो है आपका मन काफी बड़ा जो है खुशनुमा रहेगा। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप व्यस्त रहने के कारण अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। नौकरी से जुड़े जातकों को कोई दूसरी जगह घूमने फिरने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको व्यस्त रहने के कारण अपने कामों पर पूरा फोकस नहीं बना पाएंगे जो आपको समस्या देगा।
जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज आपको सबसे पहले उस कामों को करने की जरूरत है जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे धन उधार लेने आ सकता है, लेकिन आप उसके लिए जीवन साथी से बातचीत अवश्य करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपको कुछ महत्वपूर्ण खर्चों में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और आप अपने भविष्य की कुछ योजनाओं को लेकर आज थोड़े बहुत परेशान रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने की जरूरत है, परेशान आपको नहीं होना है। जी हाँ, क्योंकि आप परेशान होने के लिए नहीं आए हैं, दूसरों को परेशान करने के लिए आए हैं। जी हाँ, बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे यूट्यूब